हाय टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कौन दुखी है भाई, कौन गुस्सा कर रहा है? वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, इज इट लाइव? एक बार इसे कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो भाई आपके यहाँ पर सर्दी कैसी है? यहाँ पे तो देखो ऐसा वाला मिजाज चल रहा है, जब गर्मियाँ होती हैं तो एक एक घर में चार चार एसी चलते हैं, और जब सर्दियाँ आ गई हैं तो लोगों ने ब्लोवर, रूम हीटर्स इतना ज़्यादा यूसेज करना शुरू कर दिया कि भाई आज तो लाइट ही गायब है, वो भी 12 बजे से। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, इससे पहले कि आपकी छुट्टी हो जाए। इट्स बेटर कि मुझे सेशन को शुरू करना चाहिए। बंगाली रौनक, गंगू, मौसमी, अभिषेक, बंटी, हरे, धर्मप्रीत, सुरेश, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो अपना टॉपिक है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर है। देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये जो सेशन होगा ये चाहे आप यूपी का पेपर देने जाओ, चाहे जीडी का पेपर देने जाओ, ये टॉपिक सेम है, ठीक है ना? ये टॉपिक क्या रहेगा? सेम रहेगा। गणेश, ट्राइबल, मिडसेट, शिखा, नुसरत, बलवन, हिमानी, धर्मप्रीत, वेरी वेरी शर्मिली, गुड इवनिंग टू ऑल। ऑलराइट, कल का टॉपिक आई होप कि सबने रिवाइज कर लिया होगा। इसके अलावा एसएससी का जीडी फाउंडेशन बैच जो यहाँ पे आपके सामने है, इसका अमाउंट इतना हो चुका है फॉर द क्रिसमस, ठीक है? अगला एसएससी जीडी महापैक जो है ये आपके लिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। अरे वाह, लाइट आ गई और बनी है 749 का, आप यहाँ पे इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप ऑल आर गुड टू गो। सब रेडी? मोदी जी को फोन मिला है, योगी जी को फोन मिलाएंगे ना, मोदी जी को फोन क्यों मिलाएंगे हम? चलिए तो सब रेडी? हाँ, इनकलाब जिंदाबाद, हिस्ट्री का सेशन आएगा, है ना? आजकल रोज चली जाती है लाइट, सही कह रहे हो, पता नहीं कितना ज्यादा जाती है। आई पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आई होप कि सभी के सभी रेडी होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बताए, कहा जा रहा है आपसे कि ये बताइए इसमें से कौन सा वाला बायोस्फीयर रिजर्व है, या फिर कौन सी वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या कौन सा नेशनल पार्क है जहां पे आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, जहां पे आपको, अरे 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 भाई साहब, स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सवाल बड़ा है इसलिए आपको यहाँ हिंदी में नहीं दिखाई दे रहा है। ऑल ना? हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। जब हम स्नो लेपर्ड्स की बात करते हैं, जब स्नो लेपर्ड की बात आएगी तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा, साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलता है, और साथ में ये भी याद रखिएगा कि अभी हाल ही में ये कहाँ पर पाया गया था, तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये पाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए IUCN के लिए एक कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये उत्तराखंड के अंदर, कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर इसको बनाया जाएगा, ठीक है? चलिए तो ये तो हो गया यहाँ पे इसका आंसर। ओके, अगले पे आएगा, तडोबा सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बताएं? तडोबा सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नेम द डिस्ट्रिक्ट। अब ये तो सबको पता है ना कि ये महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से जिले में है? वेरी वेरी गुड इवनिंग। चंद्रपुर के अंदर है। ये लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बात तो सही कह रहे हो, ये लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इसका आंसर होगा चंद्रपुर। अभी आगे टफ वाले क्वेश्चन भी हैं, आप ये मत सोचिएगा कि मैम बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन लेके आई है, अभी आगे मैच करने वाले भी सवाल आपको मिलेंगे। चलिए, विक्रमशिला गैंगटेक डॉल्फिन सेंचुरी जो है ये आपको भारत में कौन से राज्य में देखने को मिलेगी, किस राज्य में आपको ये मिलेगी? यहाँ पे क्या लिखा है? गैंगटेक डॉल्फिन। ये जो गैंगटेक डॉल्फिन है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम सूसू के नाम से भी जानते हैं, सॉरी इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, इंडिया का एक्वाटिक एनिमल है, और अभी हाल ही में अगर आपको याद होगा तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसने इसको अपने यहाँ पे एक्वाटिक डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो कौन सा है? वो हो जाएगा यूपी। यूपी ने अभी हाल ही में इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा?
बेटा ये सेशन आपके हर एग्जाम के लिए, एनी एग्जामिनेशन, क्योंकि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो सेम होता है ना, बदलता थोड़ी ना है जीएस कभी बेटा, नहीं बदलती जिंदगी में, हमेशा याद रखना, कोई भी पेपर देने जाओगे जीएस कभी नहीं बदलती, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बताइए, नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मानस, काजीरंगा, नंदा, पेरियार, पेरियार, अच्छा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें से कौन सी नहीं है, ओके। अगर हम विश्व धरोहर की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि हेरिटेज साइट्स के लिए या फिर हेरिटेज साइट्स के कंजर्वेशन के लिए हमारे संविधान के अंदर एक अनुच्छेद दिया है, एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 49, आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। ये आपको कहाँ मिलेगा, आसाम में, काजीरंगा कहाँ, आसाम में, नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में, पेरियार कहाँ, केरला में, क्या होगा इसका आंसर, पेरियार होगा, चलो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, पेरियार। अगला, इनमें से कौन सा एनिमल डज पटना जू हैव द हाईएस्ट नंबर, आपको बताना है कि पटना का जो जू है वहां पे आपको इनमें से कौन सी स्पीशी देखने को मिलती है, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्पीशी आपको यहीं पर देखने को मिलती है, नेम द स्पीशी, लाइन, एलिफेंट, राइनो, एक से ज्यादा कोई स्पीशी है या इनमें से कोई भी नहीं है। जिन भी बच्चों को कोई रिवीजन सीरीज देखनी है तो शाम को जो यूपी वाला सेशन स्टार्ट हो रहा है आज से, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जिस भी बच्चे को रिवीजन करना है, चाहे वो जीडी का करे, चाहे यूपी का करे, चाहे सीएसआईआर का करे, कोई भी पेपर हो, ठीक है। अभी मैंने एक सेलेक्टेड बच्चे का वीडियो अपलोड किया था और उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि उसने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैम आप ये जो पढ़ाने जा रहे हो ये कौन से एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हमेशा मेक श्योर करिए कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं ना, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइनोज होगा। अब ये जो राइनो है, वैसे तो देखा जाए तो ये आपको कहाँ मिलते हैं, आसाम में मिलते हैं, लेकिन आसाम में कौन से मिलते हैं, एक सींग वाले गेंडे देखने को मिलते हैं, वन हॉर्न राइनो जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, कौन सा वाला, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक। लेकिन यहाँ पटना जू में आपको ये मिलेंगे, लेकिन यूपी में भी तो ये पाए जाते हैं, यूपी में कहाँ मिलेंगे, हाँ जी यूपी में कहाँ मिलेंगे, दुधवा नेशनल पार्क, कहाँ पे, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी, यहाँ पर भी आपको राइनोज देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट फाइट, शिमली पाल बायोस्फीयर निके, निके मतलब जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं, आपको बताना है ये कहाँ पर है, ये तो यार मैंने तुम्हें कल ही पढ़ाया था, रोहित फॉर राइनो, करेक्ट करेक्ट, ये तो मैंने आपको कल ही न्यूज में पढ़ाया था, अबॉर्ड ऑफ राइनो भी था, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज ओडिशा। हम लोगों ने इसको न्यूज में क्यों पढ़ा था, हमने इसको न्यूज में इसलिए पढ़ा था क्योंकि यहाँ पे 10 ब्लैक टाइगर जो है वो अभी हाल ही में पाए गए थे, ब्लैक टाइगर जो थे वो अभी हाल ही में पाए गए थे, कहाँ पर, इसी जगह पर पाए गए, ओडिशा के अंदर, तो ये नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे आप ओडिशा के अंदर देखोगे तो आपको ऑलिव रेडली टर्टल्स मिलेंगे, साथ ही साथ में इसके साथ एक और चीज आपको मिलती है, वो क्या हो जाएगी, एरावडी डॉल्फिन, और क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक और चीज मिलेगी, हाँ जी एक और क्या बचा यहाँ पे, क्रोकोडाइल्स, क्या है, क्रोकोडाइल्स, इंडिया के अंदर जो अलग अलग तरीके के क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, है ना, कुछ होते हैं सॉल्टी वाटर वाले, कुछ आप देखेंगे फ्रेश वाटर वाले, तो ये जो अलग अलग टाइप्स है ना वो सब के सब आपको ओडिशा के अंदर मिलते हैं। अगला, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो जैव मंडल है वो टोटल यूनेस्को के हिसाब से आपको कितने मिलते हैं, 18, जिसमें पहला वाला आप यहां से बताइए, आखिरी वाला हम आपको बता देते हैं, आखिरी वाला कौन सा हो जाएगा, ग्रेट निकोबार, कौन सा है, ग्रेट निकोबार, नीलगिरी, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी मैप तो ऐसे चेंज हो चुका है, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको नीलगिरी यहाँ पे नजर आ रहा होगा, नीलगिरी याद रखिएगा
कि ये जो है ना ये आपको तीन राज्यों के अंदर देखने को मिलता है। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मिलेंगे। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जहां पे आपको नीलगिरी मिलता है इसी जगह पे आपको क्या मिलता है? नील कुरुंजी फ्लावर। कौन से फूल मिलते हैं? नील कुरुंजी फ्लावर्स जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पे आइए, बताइए बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। आसाम, कर्नाटका, गोवा या मेघालय कहाँ पर है? मेघालय में है, मेघालय। ओके, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? मेघालय के अंदर आपको देखने को मिलता है। मेघालय के अंदर आपको मिलेगा गारो नाम की पहाड़ी और इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है? नोकरेक नेशनल पार्क। क्या मिलेगा? नोकरेक नेशनल पार्क यहीं पर लोकेटेड है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि ये बताइए चेरापूंजी एंड मौसनग्राम ये दोनों कहाँ है, तो ये दोनों के दोनों आपको मेघालय के अंदर देखने को मिलते हैं। ये जो मेघालय है इस पूरे एरिया को हम लोग शिलोंग का पठार या फिर शिलोंग प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। क्या है? शिलोंग का पठार या फिर शिलोंग प्लेट्यू के नाम से हम इस जगह को जानते हैं। अगला सवाल, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सी, आसाम के अंदर है। आसाम, आसाम, आसाम। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको आसाम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे टाइगर्स की तो पॉपुलेशन है, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको एलिफेंट्स की पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। कई बार पेपर के अंदर आपसे स्पीशीज भी पूछी जाती हैं कि यहाँ पे कौन सी आपको स्पीशीज देखने को मिलती है। ठीक है, अब बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे तो आपको वन लाइनर क्वेश्चंस ही देखने को मिल रहे हैं, बट थोड़ा सा अपने आप को इस तरीके से तैयार करके जाइएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो वहां पे एक दूसरे का मुंह देखने के लिए मत बैठना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है तो आपको भी तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। चलिए, केलो दियो घाना नेशनल पार्क कहाँ पर है? केलो दियो घाना नेशनल पार्क कहाँ पर है? ओके, राजस्थान, राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो आपको केलो दियो घाना देखने को मिलता है इसे हम कहते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी, और ये जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पे आते हैं साइबेरियन क्रेन। क्या आते हैं? साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। अगर हम साइबेरियन क्रेन की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ से आएंगी बर्ड्स, तो ये साइबेरिया से आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विदन थांगल बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड? ये पक्षी विहार कहां पर देखने को मिलेगा? बताएं ये पक्षी विहार कहां पर देखने को मिलता है? जैसे कि हम लोग जब कानपुर से लखनऊ की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर भी बीच में एक बर्ड सेंचुरी देखने को मिलती है, उसका नाम भी लगे हाथ बता ही देना। तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, केरला, मैक्सिमम इज गोइंग विद तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु के अंदर आपको मिलेगा। जल्दी से बताइए कानपुर से लखनऊ के बीच में कौन सी बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलती है? नवाबगंज। अच्छा अच्छा, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। ठीक है, पक्षी विहार आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर है ये? ये कानपुर से जब आप लखनऊ की तरफ जाते हैं ना तो वहां पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, हाँ अभी हम मराठी भी बोलेंगे, रुको। अगला बताइए, इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपको मेघालय के अंदर देखने को मिलता है? हाँ जी, इसमें से कौन सा है जो कि आपको मेघालय के अंदर देखने को मिलता है? नोकरेक, नोकरेक। अभी तो मैंने आपको बताया ये कौन सा होगा, नोकरेक होगा। कौन सी पहाड़ी पे होगा? तो गारो पहाड़ी पे होगा।
कौन सा पठार होगा, तो आपको शिलोंग प्लेटू मिलेगा। अभी मैंने आपको ये चीज बता दी है। चलिए नेक्स्ट पे आते, बताइएगा क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको पेयर दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाला करेक्टली मैच है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको बताना है कौन सा वाला करेक्टली मैच है। फाइन, तो पहले आप जरा इसकी मुंह दिखाई कर लें। हिमालय वाले एरिया में आपको जंगली बकरी और स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार के अंदर आपको महगनी और रोजवुड देखने को मिलेगा। गिर वाली जो जगह है वहां पे आपको एशियाटिक लाइन देखने को मिलेंगे। आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है। एशियाटिक लाइन वाला करेक्ट है। ओके, तो व्हाट अबाउट दिस, अंडमान निकोबार के अंदर महगनी और रोजवुड नहीं मिलेगा। आपका कहने का मतलब ये है ऑल ऑफ द अबव, मतलब भले ही ऑल अलग से ना लिखा हो लेकिन अपने हिसाब से ऑल लिख देंगे। ऑल ऑल सब जा रहे हैं यहाँ पे ऑल के साथ। ऑल, अरे भाई अज्जा, है ना, किसके साथ जा रहे हैं? ऑल के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ये सब के सब आपको बिल्कुल करेक्टली देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए, नौकरेक, ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया ये आपको कहाँ पर मिलेगा। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सह्याद्री टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलता है, कौन से राज्य में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं सह्याद्री की, जो वेस्टर्न घाट है, जो आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलता है, ये वेस्टर्न घाट किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कहाँ से कहाँ होता है, तो गुजरात के साउथ एरिया से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ तक होता है, तमिलनाडु पे जाके ये खत्म होता है। आपको बताना है ये है कहाँ पर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। अगला, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है ये यूनेस्को के द्वारा कब लॉन्च किया गया था। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को को बनाया जाता है कहाँ पे, लंदन के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस के अंदर। कब बनता है, 1946 में ये बनता है, 1972। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1972 में आता है, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ के अंदर ही प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये आपको 1973 में मिलता है। आप बताओ आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 72 में ही इसको लागू किया जाता है। अगला सवाल ध्यान से बताइएगा, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। एक तो आज गजब तरीके से इसने फाइल बनाई है, अंग्रेजी अंग्रेजी के बाद में आंसर, फिर हिंदी के बाद में आंसर। कल इसको बताना पड़ेगा, बेटा भूल गई हो क्या, हाउ टू मेक द फाइल। चले, भारत के अंदर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर यानी कि मैब वाला जो प्रोग्राम है इसको 1986 में लॉन्च किया गया। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भारत का सबसे पहला जैव मंडल के रूप में जोड़ा गया। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो ऑब्वियसली बात है इसके दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपको सही देखने को मिलेंगे। तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बिल्कुल सही बात है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट थोड़े से ज्यादा बड़े हैं, तो पहले इसको यहाँ पे समझा देते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे जाके एक बार इसको हिंदी में भी बता देंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले इंग्लिश में देख लो फिर हिंदी में बताते हैं। लिखा है टू सर्व एज अ वाइडर बेस फॉर द कंजर्वेशन, यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन प्रोग्राम को चलाया जाता है। दूसरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको एक इकोसिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लिखा है टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन, यानी कि लोकल इनहेबिटेंट्स जो होते हैं उनके लिए, जो आसपास के लोग होते हैं उनका भी पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ले ठीक। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 1, 3 and 4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, चले, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कोड यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। कहा जा रहा है इकोलॉजिकली इंडिया इज डिवाइडेड इनटू पैलियो सेंट्रिक एंड मलयान रेन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले इसको समझो, जब हम इंडिया की बात करते हैं या हम
गोंडवाना लैंड की बात करते हैं, है ना। तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया का जो फॉर्मेशन है, इंडिया का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है, हिमालय सबसे पहले बनेगा। हिमालय कैसे बना है, दो प्लेट के टकराने से बना। वो दो प्लेट कौन सी हो जाएंगी, एक तो है यूरेशियन प्लेट और एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के टकराने की वजह से क्या बनता है, हिमालय की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये हम सभी लोग जानते हैं। भाई दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है कि अलग अलग जो प्लेट्स होती हैं, कई बार वो सारी प्लेट्स जो होती हैं वो आपस में किसी ना किसी के साथ में कोई ना कोई जो है वो टकराती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पे एक डिप्रेशन बन जाता है या फिर एक धसा हुआ भाग देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंडिया का जो हिस्सा है वो आपको दो अलग अलग भागों में देखने को मिलता है, जिसमें अगर हम हिमालय की बात करें तो ये आपको पैलियार्टिक रेल्म के हिस्से में मिलेगा, और अगर हम हिमालय की ही बात करते हैं तो इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो आपको इस हिस्से में देखने को मिलेगा। यानी कि हिमालय का एक हिस्सा जो ट्रांस हिमालय वाला है वो यहाँ पे जा रहा है और जो दूसरा पार्ट है वो नीचे के साइड पे जा रहा है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आएगा, तो इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलो अगले पे आइए। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एक्सपर्ट्स हैव डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी बायो ज्योग्राफिकल रीजन्स, यानी कि जो एनवायरमेंट, जितने भी एनवायरमेंट से जुड़े हुए आपको ज्योग्राफर्स देखने को मिलते हैं उनके हिसाब से इंडिया का जो एरिया है वो टोटल कितने भागों में बटा हुआ है, बताइए। कई बार ये इस टाइप के भी टफ वाले सवाल भी जीडी में देखने को मिलते हैं ना, तुम सोचो कि हमेशा एक लाइन वाले ही क्वेश्चन आएंगे, इस गलत फहमी में मत जाना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल आपको 10 अलग अलग भाग देखने को मिलते हैं। चले नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे दो आपको लिस्ट दी हुई है, डेजर्ट गंगा का मैदानी भाग, सेमी एरिड यानी कि अर्ध शुष्क वाला हिस्सा और ट्रांस हिमालय। आपको बताना है कि ये जो एरिया है ये कितने कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, बताइए ये हिस्सा कितने कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आज पता चलेगा तुम लोगों की तुम्हारी तैयारी कहाँ है। कुछ बच्चे होते हैं जो इस टॉपिक को बहुत लाइटली लेते हैं, उन्हें लगता है 5-6 बायोस्फीयर रिजर्व याद कर लिए कहानी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, बताइए। कुछ ने स्किप किया है इसको, देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेजर्ट का जो आपको एरिया देखने को मिलता है दिस इज 6.6, और अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से यहाँ पे एलिमिनेशन के साथ में इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कितना होगा, 6.6 आपको मिलेगा। चलो यहाँ पे क्या है, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। अचानक या अमरकंटक एमपी के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर, अगस्त्यमाला तमिलनाडु केरला के अंदर, नीलगिरी कर्नाटका तमिलनाडु के अंदर, और आखिरी वाला नोकरेक मेघालय के अंदर। आपको बताना है कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है, बताएं। बताइए, अब बताओ, अब तो हलवा सवाल आया, अब इसमें कौन सा सोच रहे हो बैठ के। बी वाला गलत है, बी वाला। अच्छा ये अगस्त्यमाला जो है वो तमिलनाडु केरला में नहीं है, ओके बी, सब लोग बी बता रहे हैं, इसका आंसर सब लोग बी बता रहे हैं, सब बी बता रहे हैं। मतलब ये देखने की तो जरूरत ही नहीं है ना कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी बताया तुमको कि नीलगिरी जो है वो तीन जगह पर है, यहाँ पे दो जगह लिखी हुई है, वो देख ही नहीं रहे हो, हाँ वो देख ही नहीं रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। गजब बेइज्जती है भाई सवाल की, गजब बेइज्जती। चल अच्छा ये बता लो, इसको तो बता ही लेना कम से कम, है ना। सुनिएगा, एक तरफ लिखे हुए हैं जैवमंडल, एक तरफ लिखे हुए हैं उसके राज्य, ठीक है। सुनिएगा, कोल्ड डेजर्ट दिहांग दिबांग नोकरेक और शिमलीपाल, मैच करिए, मैच करो। कोल्ड डेजर्ट दिबांग और दिहांग, ये तो नाम से पता चल रहा है कि इसके साथ में जाएगा, इस नाम से आपको जगह भी देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये तो यही जाएगा, है ना। आगे बताइए, थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर देते हैं,
थोड़ा बेहतर बना देते, क्योंकि अब तो एरिया चेंज हो गया है तो ऑप्शन भी तो चेंज होना चाहिए। ए मतलब आप कह रहे हो कि ए वाले के साथ में टू जाएगा, मतलब ये। अच्छा, बी वाले के साथ में वन जाएगा, मतलब कि ये। ठीक है ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। कोल्ड डेजर्ट जो है वो अब जम्मू कश्मीर में नहीं, बल्कि अब ये कहाँ आ चुका है, लद्दाख के अंदर है। दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल के अंदर है। नोकरेक कहाँ आएगा, मेघालय में आएगा। शिमलीपाल कहाँ आएगा, उड़ीसा में आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बताइएगा। इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से आंसर करिएगा, सुनिएगा। पहला है बोरी टाइगर रिजर्व तावा रिवर, दूसरा है हेमीज नेशनल पार्क रुम्बुक रिवर, तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पे मेलघाट तापी रिवर, और आखिरी वाला यहाँ पे लिखा हुआ है नागरहोल मस्ट रिवर, बताइए। तो तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैम सारे क्वेश्चन हमेशा वन लाइनर ही करवाएंगी हैं? बेटा रुक जाओ, बोरी जो है वो तावा रिवर लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, डी वाला। यहाँ तुक्का लग रहा है, कुछ का तो तुक्का लग रहा है। देखो भाई ये बिल्कुल सही लिखा हुआ था, हेमीज वाला भी बिल्कुल सही था, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता था। ठीक है, तो नागरहोल जो है ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, कर्नाटका के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा सुंदरबन के ऊपर तो आंसर सही कर सकते हो, है ना। आइए जरा सुंदरबन की बात कर लेते हैं। देखिए सुंदरबन जो है ये सबसे बड़ा आपको मैनग्रोव एरिया देखने को मिलता है। दूसरा है सुंदरबन जो है ये पूरे विश्व का एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको टाइगर देखने को मिलते हैं। सुंदरबन एक ऐसी जगह है जो कि सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, और सुंदरबन वाली जो लोकेशन है वो आपको कोलकाता वाले एरिया में देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे एनुअल हाई गेल्स फ्रॉम द सी। आपको बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है, बताओ। फिर हिंदी में भी दिखाते हैं आपको एक क्वेश्चन, यहाँ पे भी ऑल, अरे तुक्का है भाई तुक्का, ठीक है तुक्का है। देखिए सुंदरबन की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा मैंग्रोव है, सबको पता है ये तो, है ना। सुंदरबन वाला जो एरिया है ये एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। क्या मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला सुनिएगा। सुंदरबन वाला जो एरिया है यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अलग अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और आखिरी वाला लिखा हुआ था कि कोलकाता वाले एरिया में आपको मिलेगा, बिल्कुल सही है। वो एक्चुअल में जगह कौन सी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, किसके साथ में, एक तरफ वेस्ट बंगाल और एक तरफ बांग्लादेश। अरे बांग्लादेश से याद आया, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक डील है जिसको एक्सटेंड किया जा रहा है, कल के क्लास में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है चलो नेक्स्ट पे आइएगा। ये भी मैनग्रोव के बारे में है, आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला गलत है। ठीक, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। मैनग्रोव वाला जो एरिया आपको देखने को मिलता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां से क्या होता है, अपरदन कम होता है। अगला, मैनग्रोव वेजिटेशन जो है ये क्या करता है, ये जो लैंड एरिया है उसको सेव करने का काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत के अंदर जितने भी ऑल अमंग द कोस्टल स्टेट आपको मैनग्रोव देखने को मिलते हैं, जहां जहां पे आपको क्या मिलता है, तटीय मैदान देखने को मिलता है। अगला लिखा हुआ है डैमेज टू द मैनग्रोव सिस्टम कैन रिजल्ट इन इरिवर्सिबल कोस्टल इरोजन। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भाई हर राज्य में आपको ये देखने को थोड़ी ना मिलता है। ठीक है, अगर हम मैनग्रोव्स की बात करेंगे तो ये जो मैनग्रोव्स हैं ये आपको गुजरात के एरिया पे मिलेंगे, उड़ीसा के एरिया पे भी मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वैसे आप देखोगे तो ये तीन जगह आपको देखने को मिलती है जहां पे आपको मैनग्रोव्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ था, जितने भी कोस्टल एरिया है यानी कि जितने भी तटीय मैदान है सब पे देखने को मिलता है, ये सब पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक, ये सब पे देखने को नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मैनग्रोव्स के लिए अभी हाल ही में प्रोजेक्ट
मिष्टी को लॉन्च किया गया था। ये प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और मोदी जी के द्वारा इस बार के बजट में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, तो ये प्रोजेक्ट याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नीलगिरी के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपको भारत के 3 राज्यों में देखने को मिलेगा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। अगला पॉइंट, ये वेस्टर्न घाट पे आता है, पश्चिमी घाट पे आता है। तीसरा पॉइंट, ये एक रेन फॉरेस्ट है। और चौथा पॉइंट, स्टैंडर्ड ये शोला फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है। मुझे पता है तुम यहाँ पे 2 स्टेटमेंट निकालोगे, फटाक से बोलोगे ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पे स्पेलिंग, हाँ जी बताएं, 1, 2, 3 और 4। देखो पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको इन 3 राज्यों में देखने को मिलता है। ठीक है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ये आपको वेस्टर्न घाट के एरिया में मिलेगा, और जो वेस्टर्न घाट है ये क्या है, ये आपको एक हॉट स्पॉट के रूप में देखने को मिलेगा। अगला है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको शोला फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ये शोला फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, किसी को याद है शोला फॉरेस्ट ये कौन से वाले? ये वही वाले शोला फॉरेस्ट हैं जहाँ पे चिंगू मिंगू आए थे, चाइना, याद है 2019 की बात है जब जिनपिंग जो है वो भारत की यात्रा पे आए थे, उसमें आपने देखा था कि यही वाली वो जगह है महाबलीपुरम। कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। क्या नाम था? महाबलीपुरम। ओके, अब आप मुझे फटाफट से बता दो कि महाबलीपुरम जो है, ध्यान से सुनना, ये कौन सी डायनेस्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, बताइए कौन सी डायनेस्टी के साथ में जुड़ा हुआ है? महाबलीपुरम पल्लवास के साथ में जुड़ा है। पल्लवास, पल्लवास, अच्छा पल्लवी, बिल्कुल सही बात है, जहां पे 44th वाला चेस ओलंपियाड हुआ था, बिल्कुल सही। पल्लवी नहीं बेटा, पल्लवा, मुझे लग रहा है पल्लवी तुम्हारी दोस्त होते हैं, दोस्त होते क्या? पल्लवास क्या है? पल्लवास के साथ में नाम जुड़ा हुआ है ना। चले नेक्स्ट पे आते हैं, बताइएगा इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। सुनिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बायोलॉजिकल एरिया और कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है ये आपको भारत के अंदर 1982 में देखने को मिलता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो टोटल आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? तीनों के तीनों करेक्ट है। तो बायोस्फीयर प्रोजेक्ट है, ओके, किसके लिए है? इंडिया के अंदर इसको लॉन्च किया गया था 1982 में, और इसके अंदर आपको टोटल कितने मिलेंगे? 18। लेकिन अगर पूछा जाए कि इंडिया के हिसाब से कितने हैं, तब इंडिया के हिसाब से पूछे जाएंगे तो आपको इसके अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे, बताइए। मैन एंड बायोस्फीयर जो है ये तो यूनेस्को के थ्रू है ना, अभी आपको मैंने बताया था, लेकिन इंडिया की तरफ से कितने होंगे? 13, बिल्कुल सही जवाब। इंडिया के हिसाब से आपको कितने मिलेंगे? टोटल आपको 13 देखने को मिलते हैं, लेकिन यूनेस्को के हिसाब से आप देखोगे तो आपको इतने देखने को मिलेंगे। अगला, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इसका जो एरिया है वो करीबन आपको इतने स्पीशीज के साथ में भरा हुआ देखने को मिलता है। दूसरा, जो ये रीजन है जहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलता है वो 70% या 70% से ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटीज में आपको हॉटस्पॉट मिलेंगे, कोरल रीफ मिलेंगे, स्नेल है और फिश है, इन सब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी ऑल बेटा, सब ऑल है, दुनिया इज ऑल अबाउट ऑल, है ना। चले, तो जैव विविधता की अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो पूरी दुनिया की आप देखेंगे तो 3 लाख प्रजातियों के साथ में आपको इतना यहाँ पे स्पीशीज देखने को मिलती हैं। अगला, अगर हम पूरे एरिया की बात करेंगे तो 70% या 70% से ज्यादा का एरिया आपको देखने को मिलेगा,
और अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि इंडिया के अंदर कौन सी जगह है जहां पे कोरल रीफ पाए जाते हैं, बताएं। बायोडायवर्सिटी के पापा का नाम बता रहे हो तो, अरे अरे कह रहा है ऐसे मैम, मेरे एग्जाम में आया था क्वेश्चन, आया था ना, वही तो बात है, बच्चों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है अभी भी दुनिया जो है वो वन लाइनर में ही चल रही है, उनको वही सवाल करने में ही अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में वो पेपर में आता नहीं है, फिर कहते हैं कि मैम पेपर में फंसता नहीं है, है ना? बताएं लक्षद्वीप, करेक्ट, क्या आंसर होगा? लक्षद्वीप इसका राइट आंसर बनेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ होगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तब प्रणाम लालू नाग भैया, कहाँ थे तुम? ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट है, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, चले ये हो गया। अगला बताइए, द टोटल नंबर ऑफ द बायोस्फीयर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट ऑन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, इस प्रोग्राम के अंदर या इस नेटवर्क के अंदर आपको टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं? ए पगला, कानपुर और लखनऊ की कोई न्यूज नहीं थी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी थी, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं है, भगवान जाने इतनी बेफिजूली की बातें सोच कैसे लेते हो, इतना दिमाग आता कहां से, यही दिमाग पढ़ने में लगाओ ना तो पता चले कि हाँ तुम्हारा स्टैंडर्ड कहाँ है, एक भी सवाल तुमसे नहीं बना होगा अभी तक, है ना, एक भी सवाल नहीं बना होगा इस लड़के से अभी तक। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 होगा। चलिए बताएं इसमें से कौन सी स्पीशी ऐसी है जो कि इनडेंजर्ड नहीं है, बताएं। यू आर फ्रॉम क्लास 10th, वेलकम टू द सेशन, बताइए। सी व्हाइट कैमल, अच्छा, और ब्लैक राइनो, ब्लैक राइनो इंडेंजर्ड है, अच्छा ब्लैक लाइन भी इंडेंजर्ड है, और व्हाइट टाइगर जो है कुछ, व्हाइट टाइगर डी वाले, अच्छा डी वाला कोई नहीं है, ओके चले इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाइट कैमल इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब तुम्हें ये तुरंत से स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, यूएन के बारे में, तो यूएन ने क्या बोला है, 2024 का जो साल होगा वो डेडिकेटेड होगा, तो यहाँ पे किसको डेडिकेटेड था? कैमल को, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 2023 किसको डेडिकेटेड है, बताइए 2023 किसको डेडिकेटेड है, बोलो। बताएं, किसको डेडिकेटेड है? मिलेट्स, 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 मिलेट्स को डेडिकेटेड है, पक्का? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मिलेट्स को डेडिकेटेड है, ठीक है। अगला सुनिएगा, बायोस्फीयर्स आर क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय यूनेस्को, ठीक है ना, यानी कि बायोस्फीयर्स जो होते हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता है, उसके बाद में यूनेस्को के अप्रूवल के द्वारा इसको बना दिया जाता है। अगला, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है इसको 1968 में लॉन्च किया गया, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन। ये अभी 50 बार तुमको अलग अलग स्टेटमेंट के साथ में पढ़ा चुके हैं। इंडिया ने 2018 में किया था, बिल्कुल। अरे और बताओ कैसी चल रही तुम्हारी जॉब? चले इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली वन इज करेक्ट। तब से आपको 85 बार ये स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चले अगले पे आइए, बताइए आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि इनडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, बताएं, जो कि इनडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आती हैं। और हाँ, इस सेशन के बाद में आपको बता दें, जो भी बच्चे नहीं जानते हैं, ये सेशन आज से आपका स्टार्ट हो रहा है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है फॉर दी यूपी कांस्टेबल वाले जो अभी वैकेंसीज आई हैं उसका, 2019 के पेपर में जीएस, जीके और करंट के जो सवाल आए थे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे अभी शाम को 8 बजे, तो इस सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, सो इसको जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीकन एलिफेंट, अरेबियन गैजल एंड आपका ये वाला, ठीक है। चलो आ जाओ अगले पे आइए, बताइए
सवाल में कहा जा रहा है आपको दो लिस्ट दी है, एक तो इंडेंजर्ड स्पीशी की दी है और उसकी कंट्री दी है, ठीक है, मतलब आपको बताना है कि ये वाली स्पीशी कहाँ पे पाई जाती है। अब मुझे पता है कि तुम कैसे आंसर मार्क करोगे, तुम्हारी नजर सीधे जाएगी इसके ऊपर। अच्छी चल रही है जॉब, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ जी बताएं। कल तो मैं 3 साल हो गए, अरे मुबारका मुबारका। हाँ जी चाइना, तुरंत तुमने चाइना तो लगा दिया इसका आंसर, लेकिन थोड़ा ध्यान देखना है, यहाँ पे चाइना दिया ही नहीं है, यहाँ तो एशिया लिखा हुआ है। बी बता रहे हो, अच्छा, बी बी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। मुझे मालूम था कि तुम बस इसको यहाँ पे ऐसे मिला सकते हो, इसके बाद तुम यहाँ पे कुछ और सोच नहीं पाओगे, है ना, यही था ना, क्यों मैक्सिमम बच्चों ने यही सोचा था कि बस ये मिला देते हैं बाकी तो देखा जाएगा, राइट। चले हाँ जी बताइए, कहा जा रहा है इंडिजिनस स्पीशी इज नॉट करेक्टली मैश, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वाला करेक्टली मैश नहीं है, ठीक है। वाइल्ड ऐश गुजरात में पाए जाते हैं, वाइट बाइल लीगल जो है ईगल्स ये आपको मिलते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, व्हाइट टाइगर जो है कर्नाटका के अंदर, और व्हाइट विंग डक जो है वो नागालैंड के अंदर, रेड पांडा जो है वो आपको देखने को मिलता है सिक्किम के अंदर, ओके सिक्किम, और ये जो दार्जिलिंग वाली एरिया है मतलब जहां पे आपको चिकन स्नेक देखने को मिलता है वहां पे भी अभी हाल ही में पाया गया था। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट, सी बी, हाँ सी और बी। व्हाइट टाइगर जो है वो आपको कर्नाटका के अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं, ओके ये सही लिखा हुआ है भाई, ये सही लिखा है। वैसे अगर ये आप देखोगे ना तो ये जो डक है ये आपको आसाम के अंदर भी देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए अगले पे आइए, बताइए कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, सही देखने को मिल रहा है। सुनिएगा, मार्शलैंड जो है ना ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पे आपको घास वगैरह देखने को मिलती है, वेटलैंड का जो एरिया होता है ये पुअर सरफेस होता है, मैंग्रोव जो होते हैं ये मडी एरिया होता है, मतलब ऐसे दलदली क्षेत्र देखने को आपको मिलता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए यहाँ पे एक बार से देख लीजिएगा, दलदली भूमि घास वगैरह आपको देखने को मिलती है, जहां कहीं पे भी क्या होता है आपको मैंग्रोव वाली लोकेशन मिलेगी। इसी के साथ में उष्णकटिबंधीय ये वाले जो देश है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, मार्शी एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर दो, उसके बाद तुम मुझे बताना कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है ना। चले अ स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड इज नोन एज वेटलैंड, वेटलैंड जो होते हैं वो एक स्वैम्पी या फिर मार्शी एरिया होता है, कोई भी अगर वेटलैंड का एरिया होगा तो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता है, जहां पे इनडेंजर स्पीशीज को सपोर्ट दिया जाता है, जो बर्ड सेंचुरीज होती हैं अट्रैक्ट अबाउट इतनी सारी बर्ड्स, आपको बताना है कौन सा होगा। जब भी हम वेटलैंड्स की बात करते हैं तो वेटलैंड्स वो एरिया होते हैं जहां पे करीबन 6 किलोमीटर नीचे तक का आपको पानी देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वेटलैंड डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2nd of Feb को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगेन ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी तो कैसे लगे ये क्वेश्चन सॉल्व करके, पहले तो मुझे ये बताओ कैसे लगे, तुम्हारे यहाँ पे भी वेटलैंड्स हैं, सच सच बताना कैसे लगा ये क्वेश्चंस। देखो ये जो टॉपिक है ना ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए जाओ अपने जैसे सीजीएल सीएचएसएल के अंदर तो उसमें भी आपके लिए काम आएगा, चाहे आप जीडी के लिए जाओ उसमें भी आपके काम आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको उसी लेवल पर ले जाके इसके क्वेश्चंस को करा दिया है, रुला दिया इन क्वेश्चंस ने, नहीं यार ऐसा नहीं है, रुलाया नहीं है, क्वेश्चंस तो बहुत 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 लेवल के मैंने चूज किए थे। हाँ स्टार्टिंग में मैंने आपके लिए इजी वाले क्वेश्चंस रखे थे ताकि आपको ये ना लगे कि आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो, ठीक है। चले तो इसके बाद में आप लोगों के लिए 8 बजे आज से ये सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, मैंने इसका पूरा प्लानर आपको कल शाम के 8 बजे के सेशन में बता दिया था,
कि 4 दिन आपका प्रीवियस ईयर पेपर चलेगा, उसके बाद में आपका 2 तारीख से सब्जेक्टिव सेशन जो है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 1 महीने का समय है इसकी तैयारी के लिए, बहुत अच्छे से लग जाइए क्योंकि यही आपके पास में समय है, इसके बाद में आपको ये टाइम फिर से नहीं मिलेगा। ओनली जीएस का बैच आएगा, मतलब अभी थोड़ा सा मेरे को 15-20 दिन का टाइम और दो, उसके बाद में फिर देखते हैं, उसके बाद में फिर लॉन्च करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसकी पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिएगा टेलीग्राम से, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल के टॉपिक में क्या टॉपिक होगा वो आपको टेलीग्राम पे हम उनको बता ही देते हैं, बाद में क्या अपडेट करेंगे हम अभी आपको अपडेट कर देते हैं कि आपका कल का टॉपिक क्या होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, कल जो है ना, कल आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जीडी के मिक्स टाइप के क्वेश्चन। अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी के भी क्वेश्चंस किए थे, बट कल के लिए मैंने आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चन रखे। उम्मीद करेंगे कि वहां पे आप इंजॉय करोगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।